उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं, जहां बलिया जनपद के मनियर नगर पंचायत में 5 वर्षों से विकास कार्य बाधित होने पर नाराज सुबह सपा के जिला उपाध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के चेयरमैन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप और कहा कि 5 वर्षों से नगर पंचायत में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, सारे कार्य नगर पंचायत में बाधित हैं, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर लगभग 1 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति ठीक नहीं है। खबरों के लिए बने रहें स्वर्णा रानी के साथ बलिया से निर्वाणी की रिपोर्ट। मैं रविंद्र कुमार हट्टी, सुभाषपा जिला उपाध्यक्ष, आदर्श नगर पंचायत मनियर वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रति। क्या मामला है, आपने देखा जा रहा कि नगर पंचायत के खिलाफ आपने शिकायत पत्र दिया है, क्या वजह है और किन मुद्दों को लेकर आपने नगर पंचायत में? हमने जन समस्या को लेकर के एक पत्रक दिया आज, क्योंकि आप देवापुर रोड देखेंगे, बाजार मुख्य बाजार को जाने वाली रास्ता है बिल्कुल जर्जर है, रोड पर्दे वहाँ घटना घट रही है, कोई ना कोई बाइक से गिर जा रहा है, कोई ई रिक्शा से गिर जा रहा है, उसको ठीक कराने के लिए हम लोग ने मांग किया है। नगर पंचायत मनियर में बहुत पहले से टैक्स 10 रुपया 20 रुपया था, आज के डेट में 60 गुना 70 गुना ये टैक्स बढ़ा दिया गया है, बिना उपविधि बिना इलाज बनाए, इसको हम लोग ज्ञापन दे के इसको वापस लिया जाए। और विद्युत पोल हैं पहले से लगा हुआ है, कभी गिर भी जा रहे हैं और गिरने के बाद घटना भी हो जा रही है, इसको हम लोग कहें कि इसको ठीक कराया जाए। और जितना राशन कार्ड कटेगा गरीबों का वो कार्ड बनवाने के लिए हम लोग ज्ञापन 9 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज शासी अधिकारी को दिए, लेकिन शासी के मिले नहीं, वो कहे कि हम मीटिंग में व्यस्त हैं, हमने बड़े बाबू को दिया। क्या लग रहा है कि नगर पंचायत अब तो चुनाव आने वाले हैं और 5 साल बीत गए, क्या विकास कार्य? विकास कार्य से तो जनता एकदम खुश है, ऐसा विकास हुआ है कि जनप्रतिनिधियों का विकास तो हो चुका लेकिन आम जनता का विकास नहीं हुआ। ये किस पार्टी से चेयरमैन है? ये भारतीय जनता पार्टी से, अब वर्तमान में हम लोग भी सभासद थे उस समय भारतीय पार्टी, इनको बढ़ चढ़ कर हमने नए जोश नए उमंग थी, हम सोचे कि ये अच्छे कार्य करेंगे लेकिन अपने कार्यों पर खरा नहीं उतरे, जनता इससे बहुत त्रस्त हो चुकी है। क्या लगता है कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा? भ्रष्टाचार है, अभी आपने देखा कि 13 तारीख को ये अभी टेंडर हुआ था 2-2.5 करोड़ का, मेन पहले रोड की जरूरत है कि बिजली की जरूरत है, न पानी है न स्वास्थ्य है न रोड है, इन्होंने सिर्फ बिजली पर 40% पर कमीशन पर इन्होंने काम कराया था, अभी टेंडर निरस्त हुआ 13 तारीख को था, वो निरस्त हुआ है, हम लोग उसको भी मांग कर रहे हैं निरस्त होना चाहिए। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है योगी सरकार में? नहीं सर, ये तो सिर्फ कागजों पर चल रहा है, आप देखेंगे स्वच्छ मिशन भारत में सिर्फ कागजों पर सफाई हो रही है, जितना करोड़ों करोड़ों का बिलेचिन है, चूना है, होर्डिंग है, पोस्टिंग है, उस पर सफाई हो रही है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं सफाई दी गई है। लेकिन चरण साहब कह रहे हैं कि सभी जगह चूने का छिड़काव किया जा रहा है, मिशन पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और जो साफ सफाई की व्यवस्था है पूरी तरह से हमारे नगर पंचायत। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी, अब सफर चाहे कोई भी हो हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास, तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी